जिस प्रगति पे चल रहा है और जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आज हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बिजली नहीं जाती है। और मैं अखबार में पढ़ रहा था, सवेरे टीवी पे भी देखने को मिला कि चीन में तो बिजली की राशनिंग हो गई है। अगर हम अमेरिका से तुलना करें तो हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन है वो वहां से खूब उसी मुकाबले का हुआ है। अभी तक देश के अंदर अगर चेचक की दवाई आती थी या पोलियो की दवाई आती थी तो विदेशों से आती थी। आश्चर्यजनक रूप से इस देश ने ऐसी सफलता प्राप्त की कि जब अमेरिका ने, यूरोप ने, रशिया ने अपनी वैक्सीनेशन बनाई तो भारत भी उसमें अग्रणी था। हमने एक की जगह दो दो बनाए और वैक्सीनेशन करने में सफलता प्राप्त की। इलाज के अंदर हमारे संसाधन सीमित थे लेकिन हमने अच्छा काम करके दिखाया। हमारे यहाँ मृत्यु जो एक भी हुई वो भी दुखद होती है लेकिन बहुत कम, उसमें भी कंट्रोल करा। तो ऐसे ही व्यापारिक समाज जो है, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है तो इसके अंदर देश का मान सम्मान के साथ आर्थिक स्थिति सुधरी है। हमने टैक्स बहुत दिया है, ये सब व्यापारियों के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो सभी व्यापारी समाज को प्रणाम करते हुए भारत माता की जय। मंत्री जी, हिंदी भवन में आज कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये भारत के पूरी दुनिया में इस तरह के कवि सम्मेलन और मुशायरे का जो सौभाग्य प्राप्त है वो केवल भारत को ही प्राप्त है। बाकी तो इतनी तरह तरह की रचनाएं और यहाँ पर ये काव्य जो रस है ये यहाँ की संस्कृति का और जिंदगी का एक हिस्सा है। तो चाहे कोई भी अच्छा कार्यक्रम होता है तो लोग उसमें कवि सम्मेलन कराते हैं और लोग उन्हें सुनने के लिए बड़े शौक से आते हैं। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे है कवि, क्या कहना चाहते हैं कि कवि हमारे समाज की भावनाओं से जुड़ा होता है और जो उसके शब्द होते हैं उसी में सारा सारांश छुपा होता है। जो भी कवि होते हैं वो रवि तक भी पहुँच सकते हैं, ठीक है, और रवि के आगे भी पहुँच सकते हैं, पर उनका कवि होना जरूरी है। सांसद जी, आज कवि सम्मेलन आयोजित किया गया हिंदी भवन में, क्या कहना चाहते हैं इस पर? आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में व्यापारी भाइयों द्वारा काव्य सम्मेलन किया जा रहा है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को कवि आगे ले जा रहे हैं और हमारे व्यापारी भाई उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत सुखद संकेत है। कहने कहीं देखा जाता है कि कोविड काल था, उस समय मन में एक ऐसी बात हो जाती है कि आदमी कहीं ना कहीं गुमसुम सा हो जाता है, कवियों के माध्यम से एक मन भी कहीं ना कहीं अपार हंसी प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान में कविताओं को, कवियों को, मुशायरे को सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, बड़े मनोयोग से सुनते हैं और निश्चित रूप से ये सबका एक बहुत बड़ा मनोरंजन का भी साधन है और कवियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से वो एक समाज को संकेत भी देते हैं।